तो इस वीडियो के अंदर आपको एक रिपोर्ट दिख रहा है लीवर फंक्शन टेस्ट का, यानी कि लीवर का टेस्ट है। और इसमें कुछ पैरामीटर आप देखोगे जो कि अबनॉर्मल दिखाई दे रहा है। तो आप घर पे भी अपना रिपोर्ट देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि एक्चुअली आपके रिपोर्ट में क्या प्रॉब्लम है, और अगर रिपोर्ट अबनॉर्मल आया है तो क्या रीज़न हो सकती है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन सब नॉर्मल है। टोटल प्रोटीन भी नॉर्मल है पेशेंट का। एल्ब्यूमिन थोड़ा सा हाई है, ग्लोबुलिन नॉर्मल है। इसका रेशियो जो देखते हैं ये भी नॉर्मल है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है, जो पेशेंट का SGOT और SGPT हाई है, उसके बाद से आप देखेंगे अल्कालाइन फास्फेट भी हाई है, और पेशेंट का जो GTT जो टेस्ट है, यानी गामा ग्लटराइड ट्रांसफेरिन, यह टेस्ट हाई है। अब ये एक्चुअली में जो हमारा रिपोर्ट है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये चारों पैरामीटर। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी अगर आप लीवर का टेस्ट करवाते हो और उसमें अगर आपका SGOT, SGPT या आप सिर्फ देख सकते हो जो ALP होता है, ALP और GGT, यानी कि ALP और GGT का रेंज अगर हाई है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको लीवर डिसऑर्डर होने वाला है, यानी कि लीवर में आपको प्रॉब्लम होने वाला है। लेकिन उसके साथ जो ये पैरामीटर होता है, यानी कि जो ये अल्कालाइन फास्फेट अगर होता है, अगर ये हाई है तो मतलब ये होता है कि जो पेशेंट है वो अल्कोहलिक पेशेंट है, यानी कि अल्कोहल ले रहा है, जिसके वजह से उसके लीवर में प्रॉब्लम चालू है, इन्फेक्शन हो रहा है, लीवर डिजीज चालू है, और उसका जो रेंज है वो बढ़ चुका है। अभी मैं आपको ये भी बता दूं, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, आपको सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम आती है, तो उसमें आप देखोगे आपको फैटिगो हो रहा है, आप देखोगे कि आपको वीकनेस प्रॉब्लम हो रही है, आपको जॉन्डिस हो सकता है, एपेटाइटिस आप लॉस हो सकता है, आपके पेट में कभी कभी दर्द भी होगा, और थोड़ा स्वेलिंग भी हो सकता है, सूजन, जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या बोलते हैं, पेट में सूजन है, या बोल देते हैं आंत में सूजन है। आप देखोगे आपको कभी कभी उल्टियाँ भी होगी और आपको नौसिया भी होगा। तो ये सारे चीज़ें इसके सिम्टम्स होते हैं अगर लीवर में प्रॉब्लम हो रही है तो। लेकिन एक्चुअली में जो यह हाई होता है, इसके हाई होने के रीज़न क्या होते हैं, तो पेशेंट जैसे मैं बताया था अल्कोहल ले रहा है, यानी कि ज़्यादा दारू का सेवन कर रहा है, उसके पैंक्रियास में अगर कैंसर हुआ है जिसके वजह से ये बढ़ सकता है, अगर पेशेंट हाई डायबिटिक है, ज़्यादा उसको शुगर की प्रॉब्लम है तो उसमें ये हो सकता है, हार्ट फेलियर व्यक्ति है, यानी कि उसको हार्ट अटैक कभी आया है या हार्ट की मेडिसिन ले रहा है तो भी ये हाई हो सकता है। उसके बाद से आप देख सकते हैं कुछ ऐसे मेडिसिन ले रहा है जो उसके लीवर को डैमेज कर रहा है, यानी कि लीवर में प्रॉब्लम कर रही है, तो उस मेडिसिन की वजह से भी ये रेंजेस बढ़ जाता है। लेकिन इस पेशेंट के अंदर आप देखोगे, जो ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इस रिपोर्ट के अंदर आप देखोगे कि क्लियर पता चलता है कि पेशेंट का ALP हाई है और पेशेंट का GGT हाई है, लेकिन साथ में अगर अल्कालाइन फास्फेट भी हाई है तो मतलब पेशेंट ये एल्कोहलिक है, एल्कोहल ये ले रहा है जिसकी वजह से इसके लीवर में ये प्रॉब्लम चालू है। तो आप अपना रिपोर्ट घर पे भी देख सकते हो, साथ में उसके नॉर्मल रेंजेस भी देख सकते हो कि नॉर्मल रेंजेस कितना है, यानी कि हमारे टेस्ट का रेंज कितना होना चाहिए। तो जैसे कि जो GTT है लेस देन 73 होता है तो नॉर्मल होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, 381 है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा GTT बढ़ा हुआ है। सेम उसी तरह आप देख सकते हो जो अल्कलाइन फास्फेट है ये भी बढ़ा हुआ है, मतलब ये एल्कोहलिक पेशेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि लीवर का रिपोर्ट आप घर पे कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।